जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री राजगढ़ झांसी। आइए जानते हैं 12 राशियों का फल। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आज आप किसी भी कार्य में नया काम चाहते हैं अथवा हाथ डालना चाहते हैं, आपका काम सिद्ध और संपन्न होगा। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको आज घर परिवार वालों से, मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे एवं आपको सभी प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को आप पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ के संकेत होंगे एवं आप किसी व्यापार के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन पदस्थ किसी कार्य पर प्रतिष्ठित है, नए पद की प्राप्ति होगी एवं घर परिवार वालों से अच्छे संबंध रहेंगे। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आज आपका भाग्य का उदय होता है। किसी भी आप नौकरी में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपकी नौकरी भी लग सकती है। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी एवं सरकारी कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमे आपके काम सिद्ध संपन्न हो सकते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार से, मित्रों से, परिवार से, पत्नी से अच्छे संबंध रहेंगे एवं मानसिक तनाव बेचैनी जो चली आ रही थी वह कम हो सकती है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों के आप दुकानदार हैं या व्यापारी हैं, आज आपके लिए मध्यम स्थिति रहेगी एवं शनि साढ़े साती आपके उतार की ओर है, इसलिए आप नीलम व्रत धारण करें या श्री हनुमान जी की आराधना करें। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ के संकेत हो गए, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, आपके लिए शुभ अंक 11 है। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वालों को आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति होगी, स्थानांतरण की स्थितियां भी बन सकती हैं। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, घर से, परिवार से, मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे एवं कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।